माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 लाख परीक्षार्थियों को दिया संदेश, 10वीं 12वीं और 8वीं के परीक्षार्थियों को दिया संदेश, कोई परीक्षा नहीं होती अंतिम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं के लिए प्रबंधक नथमल डिडेल ने आज बैठक ली। बोर्ड स्तर पर बनाए गए 57 उड़न दस्तों को नकल रोकने के संबंधी हिदायत दी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने स्तर पर उड़ान दस्तों के अलावा 172 उड़ान दस्ते कुल पूरे राज्य में तैनात किए हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षार्थियों में 20 लाख परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, वहीं 12 लाख परीक्षार्थी 8वीं बोर्ड की परीक्षा देंगे। बोर्ड ने 5060 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, साथ ही छात्रों की मदद के लिए सुबह 6 से रात्रि 12 बजे तक हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम स्थापित किया है। बोर्ड ने पारदर्शिता संवेदनशील के तमाम उपाय किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रबंधक छात्रों से कहा कि परीक्षा किसी भी तरह का तनाव नहीं है, कोई परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती। साथ ही पेरेंट्स को बच्चों को तनाव नहीं देने की सलाह दी और कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की तरह बच्चों को तनाव कम करने के लिए कई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गुरुवार से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं के लिए बोर्ड स्तर पर 57 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। इन उड़न दस्तों के संयोजकों की बैठक आज बोर्ड कार्यालय में आयोजित की गई है। ये उड़न दस्ते बोर्ड के प्रशासक महोदय के स्तर पर गठित किए गए हैं, जो पूरे राज्य का परीक्षा काल में सघन दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर पूरे राज्य में 125 उड़न दस्ते भी तैनात किए गए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी एक उड़न दस्ता राज्य स्तर पर गठित किया गया है। कुल 172 उड़न दस्ते परीक्षा काल के अंदर परीक्षा केंद्रों का सघन दौरा करेंगे। बोर्ड की इन परीक्षाओं के लिए 5600 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके अतिरिक्त 8वीं बोर्ड के लिए 12 लाख परीक्षार्थी भी 14 मार्च से परीक्षा देंगे।